सुमन राज। गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल और उनकी सरकार के खिलाफ जो जंग है, लड़ाई है, वो दिनों दिन गहराता जा रहा है। आज यानी 25 अक्टूबर को नगर पालिका कर्मचारी संघ के जितने भी कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं MCG यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव। यहाँ पर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है कर्मचारी मौजूद है, कई सारे लोग यहाँ मौजूद है, सभी हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल कर्मचारी संघ के प्रधान से बातचीत कर रहे हैं। क्या है कर्मचारी संघ के प्रधान हमारे साथ मौजूद है, यहाँ क्यों सर, यहाँ क्यों आए? आज हम यहाँ पर आए हैं नगर निगम कमिश्नर महोदय से पूछने के लिए कि महोदय साहब, आपने तो ये 3380 कर्मचारी बेरोजगार किए हैं और शहर की दुर्दशा खराब हुई पड़ी है। पूरा शहर जो है मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, आज कूड़ा सिटी में तब्दील हो गया है। आपने इन कर्मचारियों को बेरोजगार करके क्या इसीलिए इनको हटाया था कि शहर के हालात खराब हो, शहर के अंदर आज कूड़ा कूड़ा नजर आ रहा है? हालांकि 7 एजेंसियों को ठेका दिया गया है और 7 की 7 एजेंसियां एक महीने से ऊपर काम करते हुए हो गया है, लेकिन वो नाकाम है, फैल रही है। हम ये पूछने के लिए आए हैं, क्या आपने इस बात को लूटने के लिए ये ठेके दिए गए हैं या शहर को साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण देने के लिए? अभी हम आज यहाँ पर मंच के माँ हमारी केंद्रीय कमेटी आ रही है, हमारे यहाँ के जो है की दक्षिणी हरियाणा के जितने भी जिले हैं तमाम कर्मचारी हमारे बीच में समर्थन के लिए आ रहे हैं। और आज भी अगर कमिश्नर महोदय ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई निर्णय नहीं लिया, तो यही इसी मंच के माध्यम से आज ये हड़ताल अनिश्चित हड़ताल में तब्दील होगी। कितनी महिलाएं यहाँ पर मौजूद होंगी, आप देख सकते हैं महिलाओं की भीड़, हमारी महिलाएं शामिल है, अपनी मांग लेके यहाँ बैठी हुई है। लगातार 15-16 दिन का धरना हो चुका है और ये कमिश्नर मांग मांगने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कर्मचारी जब तक नहीं उठेंगे तब तक मांग पूरी नहीं हो सकती और ये दिखा देंगे सरकार को कि अपनी मांगों को लेना चाहते हैं और हम छोड़ेंगे नहीं अपनी डिमांडों को। हमारे भाई कर्मचारी 3380 कर्मचारी हटाए हुए हैं, इनकी मांग है कि हम ठेकेदारी पर नहीं जाएंगे। सरकार के कर्मचारियों को मत भेदभाव करें। आज हम घेराव कर रहे हैं कमिश्नर का, निकाले गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लाओ। यहाँ गुरुग्राम में हड़ताल जारी रहेगी और पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी 18 व 19 नवंबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल का जो हिसार में आवास है उसका घेराव करने हम जा रहे हैं और जनता के बीच में भी जाएंगे। जो सरकार दलित हितेशी होने का ढोंग रचती है, जो सरकार दलित उत्थान की बात करती है, उसने दलितों में अति दलित जो समाज के नीचे पायदान पर खड़े हैं, आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं, उनका रोजगार छीनने का काम किया है और हम सरकार की पोल खोलेंगे और उसके बाद हम 14 और 15 दिसंबर को पूरे हरियाणा में 2 दिन की टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल करेंगे। अगर इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे प्रदेश में की जाएगी। अगर आज भी कोई सीनियर अधिकारी मिलने नहीं आते, मुलाकात करने नहीं आते तो क्या करेंगे आप? देखिए, अगर आज भी हमारे इन कर्मचारियों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर आदेश नहीं हुए नहीं लेने के, तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे हरियाणा प्रदेश में तीखे आंदोलन की घोषणा कर सकता है, एक फैसला लेकर के और एक हड़ताल जैसा कदम कठोर कदम उठा सकते हैं, जिसकी जारी जिसकी जिम्मेदारियां हरियाणा सरकार की होगी। हम फरीदाबाद से आए हैं और पूरा अपना कर्मचारी लेकर के आए हैं गुड़गांव कर्मचारी के समर्थन में। मांग ये है जो हमारे 3480 कर्मचारी जो निकारे हैं उन कर्मचारियों को बहाल करो, ठेकेदारी समाप्त करो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, ये मांग है हमारी। जो कर्मचारी यहाँ पर प्रशासन ने जो निकाल रखे हैं, जिन लोगों की रोजी रोटी, जिन लोगों का घर का चूल्हा लगभग 8-10 सालों से जो ठेकेदारी की नौकरी करके चल रहा है, आज ठेकेदारी की नौकरी से भी लोगों को बाहर कर दिया गया है। हम ये सीधे तौर पर कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे किन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया जाए और इनको सबको निगम रोल पे किया जाए और निगम रोल पे करने के बाद इन सभी कर्मचारी साथियों को परमानेंट किया जाए। यही हाल हमारे
डिस्ट्रिक्ट पलवल के अंदर भी है, पलवल के अंदर भी दिन रोज कर्मचारी ठेके पर लगाए जाते हैं और निकाले जाते हैं, जिनका शोषण होता है उन पे दिन और रात काम लिया जाता है एक बैल के जैसे, और बहुत ज़्यादा परेशानी है शहर के अंदर, लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि ठेकेदारी से आम जनता भी खुश नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सीधे तौर पर निगम रोड पर भर्ती हो और भर्ती करके कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए ताकि शहर की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से सुधर जाए। मेरा नाम राजेंद्र सिंधा, फायर विभाग का राज्य प्रधान हूँ। जो यहाँ नगर निगम कमिश्नर ने जो यहाँ के सफाई कर्मचारियों को बैठ रखा है उसमें फायर का एक एक कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और आगे वाले आंदोलन में फायर का कर्मचारी कभी पीछे नहीं हटेगा। पहले भी हमने 16 दिन की हड़ताल करके दिखाई है और आगे भी करके दिखाएंगे। हम इनका पूरे जोर शोर से समर्थन करते हैं जो सफाई कर्मचारी है। यहाँ पर कम से कम 10,000 सफाई कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा है। कमिश्नर साहब से सवाल करने आए हैं कि दीवार के समय में आपने 3480 सफाई कर्मचारी को हटाकर जो उनका घर का चूल्हा जो बंद किया है वो आपने अच्छा नहीं किया, इसके विरोध में आज जो गुड़गावा का कर्मचारी हड़ताल पर है, अगर जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया गया और इन सभी को भाग रोल पर नहीं करा गया और जो हमारी लोकल स्तर की मांगे उनको पूरा नहीं करा गया, तो आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा का नगर पालिका परिषद का कर्मचारी हड़ताल पर चल जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सब यहाँ के निगम प्रशासन की और यहाँ की सरकार की होगी, क्योंकि हम तो इनसे मतलब गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं मांग रहे, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कर्मचारी 5-5 साल से काम कर रहे थे, इनको ये बैन पावर के ठेके पर गए थे, डीसी रेट इनको मिल रहा था और आज अचानक तुम्हें की फरमान जारी करते हैं इस सरकार ने इनको हरियाणा बिजली को भेजी रेट पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि सीधा सीधा 5,000 रुपए का घाटा है इनको। ये कोई भी सरकार कर्मचारी को तनखा बढ़ाने का काम करती है, ये सरकार तनखा घटा रही है, इसका खमियाजा इस सरकार में अवश्य भुगतना पड़ेगा, या तो समय रहते इन सभी कर्मचारी को मांगों को माने। कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं, बात करने आए, सवाल पूछना है कमिश्नर साहब से, मुलाकात। देखिए, इन्होंने हमारे 3480 कर्मचारियों को हटा के और पश्चिम बंगाल से 3,000 कर्मचारी लाके और इनकी जगह पे उनको लगा दिया हम, और उनको ठेकेदारों ने बंधक बना के रखा है। ये पता नहीं वो रात में आते हैं, कब आते हैं काम करके और छुप जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे 3480 कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पे ले, मैन पावर का ठेका चालू करे, वांडम का ठेका रद्द, अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूरा हरियाणा का चक्का जाम करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और हरियाणा सरकार की। तो मेरे पीछे ये रैली, ये प्रदर्शन की जो रैली है ये धीरे धीरे आने वाली है, जनता से भी अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता जहां तक आपका हाथ है, कमिश्नर तक, सरकार तक, जहां तक आप कोशिश कर सकें इन बेरोजगार किए गए कर्मचारियों को रोजगार दिलाने में इनका समर्थन करें। त्योहारी सीजन है, दिवाली का टाइम आ गया है और इन कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया है, इनकी भी दिवाली है, शहर जगमगाने का समय आ गया है। हम भी अपने शहरवासियों को अच्छी स्वस्थ वातावरण और साफ सुथरा रख करके दिवाली मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ पर किस चीज़ क्यों आई है मुलाकात करने के लिए? हम यहाँ पे आए हैं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए और कमिश्नर साहब बिल्कुल भी कमिश्नर साहब को शर्म नहीं है कि हमारे पास आए या हमसे बात करें। हम पहले से भी आने लग रहे हैं कमिश्नर साहब के पास अपनी मांगों को लेके, हमें 3480 आदमी जो निकाले गए हैं उनको ड्यूटी पे वापस लिया जाए, लेकिन उनको नहीं ले रहे हैं। कल भी 300 आदमियों को इन्होंने टेंडर कराए हैं और एक बार तो जब इनके हाथ में कुछ नहीं तो 300 आदमी ने कहाँ से लगा लिए और क्यों लगाते हैं? ये झूठ बोलते हैं कि मेरे हाथ में कोई चीज़ें नहीं है, सब कुछ कमिश्नर के हाथ में है, कमिश्नर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। मैं आपके चैनल, मेरा नाम रीना है, मैं महिला सब कमेटी की कमांडर हूँ
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो ये आज हमारे 3480 कर्मचारी बेरोजगार कर रखे हैं, सबके घरों में कल दशहरा मना है लेकिन हम फिर भी सड़कों पर घूम रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं। आज हमारे जो बच्चे हैं बिल्कुल रोड पर आ गए हैं, ना हमारे पास कोई त्यौहार मनाने का कुछ है जरिया ना कुछ, लेकिन आज ये जो व्यवस्था हो रही है सिर्फ नगर निगम के कमिश्नर और अधिकारियों की वजह से हो रही है। इसमें हमारा कोई भी मतलब अपना स्वार्थ नहीं है कि हमारी एक मजबूरी है रोड पर बैठना, हमें कोई शौक नहीं है रोड पर बैठना या हमें हड़ताल करना, ये हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है, हम अपने पेट के लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारी बस कुछ भी लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ ये लड़ाई है कि हमें रोजगार दिया जाए। मैं समय रहते हुए आपकी जो पॉलिसियाँ इनको बदल दो, नहीं तो ये वही कर्मचारी है जिन्होंने 96 के दौरान में बंसीलाल की सरकार जो थी उसको गिरा दिया था। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये जो 3480 कर्मचारी यहाँ के निकाले हुए हैं और अन्य जगह जैसे रोहतक है 500 कर्मचारी वहाँ से निकाले हैं और अन्य छोटी छोटी जो कमेटियाँ उनसे भी कर्मचारी निकाले हुए हैं, यानी कि 5000 के करीब सारी कमेटियों से कर्मचारी निकाले हुए हैं। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमने सरकार से ये कहा था कि जो ठेकेदार के अंडर कर्मचारी लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को ठेका ख़त्म करके उनको महकमे के रोल पे लो, पर सरकार ने जो वादा किया वो वादा तोड़ के सरकार ने कर्मचारियों की उल्टा चटनी कर दी। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम एक मीटिंग करके एक बड़ा आंदोलन का फैसला लेंगे। सरकार से कहना चाहते हैं कि समय रहते अपनी जो आपकी पॉलिसियां उनको सुधारे, नहीं तो ये कर्मचारी आपको सुधारेंगे। कमिश्नर बात करने नहीं आए, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, हम नौकरी से हमें निकाल दिया गया है, अब नौकरी नहीं है भाई, ना हाजिरी लग रही है कोई के लिए, भाई हमें आज छुट्टी है कल दोबारा दे, अब हम इस दरी पे जब तक बैठे रहेंगे जब तक कमिश्नर साहब हमारे जो साथियों को 3480 कर्मचारियों को एक कल निकाला है इनको नौकरी वापस नहीं देंगे। पहले तो इन्होंने मैन पावर का ठेका तब्दील करके जो ONM में तब्दील किया है, अब हम मांग करते हैं कि भाई ONM का साथ साथ जो मैन पावर ठेका है हमें वो भी नहीं चाहिए, अब हम निगम पालिका रोल की नौकरी चाहते हैं और जब तक हमारे 3480 आदमियों को निगम रोल की नौकरी नहीं देंगे ये हड़ताल जारी रहेगी। और आज देख रहे हो आप कि हमारे हरियाणा के 5 जिले हमारे बीच में आए समर्थन देने के लिए, सफाई कर्मचारी जरूरत पड़ी पूरा हरियाणा का कर्मचारी एक एक अपनी नौकरी, रेवाड़ी पलवल फरीदाबाद और ये क्या नाम है गुड़गांव का है और झज्जर से है भादुगढ़ से है, ये साथी हमारे बीच में अभी 5 और जरूरत पड़ी तो पूरा हरियाणा का चक्का जाम कर देंगे। ये कमिश्नर साहब जो मलाई खाने का काम कर रहे गुड़गांव शहर में कि जो मैन पावर ठेके को तब्दील करके ONDA में डाला है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम और सरकार की प्रशासन की सीट बजा देंगे चाहे इसके लिए हमें कितना ही झेलना पड़े। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने इन गुड़गांव के छटनीग्रस्त कर्मचारियों के नौकरी पर लेने के समर्थन में आज दक्षिण हरियाणा के 5 जिलों के कर्मचारियों को फरीदाबाद नू पलवल रेवाड़ी झज्जर जिले के सभी कर्मचारी इन कर्मचारियों के समर्थन में आज यहाँ निगम कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने आए हैं और निगम प्रशासन से और हरियाणा सरकार से हम मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर ले, अन्यथा हम इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर देंगे। अगर उससे गुड़गांव की आम जनता को जनहित में कोई परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेवारी गुड़गांव निगम कमिश्नर की होगी। ठीक है, तो फिलहाल जो है एक तरफ जनता परेशान है हड़ताल से लेकिन हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अभी ये सब मौजूद है कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर और उनकी इनका जो है मांग है कि उनसे सवाल पूछेंगे उनसे बातचीत करेंगे, पर फिलहाल कमिश्नर बातचीत के लिए बाहर नहीं आए हैं, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए अब बने रहे द ग्राउंड न्यूज़ के साथ, नमस्कार।